नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, जिसमें कि सबसे पहली खबर तो है कि भारत ने श्रीलंका का एक स्थान है ट्रिंकोमाले करके, वहां पर एक मतलब ऐसा समझिए कि स्टोरेज टैंक है, वहां पर उसको भारत से एक डील करने को मौका मिल गया है। श्रीलंका के साथ भारत ने वो डील कर दी है, जिससे कि ट्रिंकोमाले का कब्जा भारत को मिल गया है। पूरी खबर अंदर अभी वीडियो में बताऊंगा कि है क्या एक्चुअल में वो ट्रिंकोमाले। दूसरी खबर एक ये है कि अभी जो टाटा ग्रुप है, अब ये आईफोन की जो लेंस होते हैं, जो कैमरा होता है, उसकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और पूरी कंप्लीट असेंबली अब आईफोन की इंडिया में होगी। और इसी के साथ एक तीसरी खबर है जो RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अब अपने जो एक KYC नॉर्म्स होते हैं, अब ये अपडेट होने जा रहे हैं, क्योंकि एक बैंक ऑफ बड़ौदा में एक फ्रॉड हुआ था, उसकी वजह से RBI ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर एक काम किया है और कुछ नॉर्म्स लेकर आए हैं। तीनों खबरों को विस्तार से समझते हैं कि दोस्तों है क्या था सर। दोस्तों, अब आपको पहले तो बताते हैं कि जो ट्रिंकोमाले है, ये श्रीलंका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर ऑयल रिजर्व किया जाता है, कच्चे तेल को स्टोर किया जाता है। इसकी कैपेसिटी ये समझ लीजिए कि 1.1 मिलियन टन्स के आसपास की है। अब इसमें भारत ने श्रीलंका के साथ डील कर दी है और भारत को अब इसका कब्जा मिल गया है। अब इसमें भारत कच्चा तेल का स्टोरेज किया करेगा। और अब आप समझ लीजिए कि इससे भारत को फ़ायदा क्या होगा, स्टोरेज क्यों करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, अब आपको बता दें कि कोई भी जैसे कंट्री होता है, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने शिप को भेजता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस शिप में बीच में ऑयल की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है बीच में भी ख़त्म हो जाए तो उसको रिफ्यूलिंग करनी पड़े। तो ऐसे ही जो भी इस रूट से, यानी कि हिंद महासागर से जो भी शिप निकलेगा, उसकी रिफ्यूलिंग ट्रिंकोमाले में हो जाएगी। ट्रिंकोमाले बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, ये चाइना बे बोला जाता है जिस जगह पर है, और चाइना भी श्रीलंका में अपनी प्रेजेंस रखता है। श्रीलंका का एक हम्बनटोटा एक पोर्ट है, वो चाइना के ही कब्जे में है। चाइना वहाँ पे एक रिफाइनरी भी बना रहा है, जिसकी कीमत लगभग $4 बिलियन आएगी, यानी कि अगर रुपये में बात करें तो करीब 35,000 करोड़ रुपये। और ट्रिंकोमाले भारत के लिए ज़रूरी क्यों बन जाता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि चाइना वहाँ पे बना रहा है एक रिफाइनरी, वो बहुत बड़ी रिफाइनरी बना रहा है। अब सोचिए कि जब ये रिफाइनरी बन जाएगी, तो चाइना यहाँ से ही सारी एनर्जी की डिमांड श्रीलंका की पूरी करेगा और श्रीलंका की पूरी मार्केट पर कब्जा कर लेगा। वो सारा सामान अपना बेचेगा श्रीलंका को और सारी उसकी एनर्जी पूरी हो जाएगी और पूरा मार्केट चाइना के हाथ पर होगा। ये भारत के लिए भी एक अच्छी खबर नहीं रहेगी कि श्रीलंका भारत का पड़ोसी है, उसकी पूरी मार्केट श्रीलंका के हाथ में चली जाए। तो ट्रिंकोमाले जो जगह है वो श्रीलंका में ही है, ये श्रीलंका ने बनवाया नहीं, बनवाया तो इसे अंग्रेजों ने था। अब ये रहेगी, इसमें भारत कच्चे तेल को इसमें स्टोर करेगा और भारत की रिफाइनरी साउथ इंडिया में भी है। अब ये तमिलनाडु से एक कनेक्टिविटी करी जाएगी ट्रिंकोमाले की, समुद्र में एक पाइपलाइन डाली जाएगी, जिससे कि भारत के जो रिफाइंड ऑयल है वो भी श्रीलंका को यहाँ से हम बेच पाएंगे। श्रीलंका की मार्केट में हमारा भी शेयर होगा, हाँ हम अपनी चीज़ें आराम से पहुँचा पाएंगे। दूसरी चीज़ एक ये फ़ायदा है कि हमारी एक प्रेजेंस रहेगी श्रीलंका के अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही होगा। तीसरी चीज, भारत इस जो कच्चे तेल को जब रिफाइन करके किसी दूसरे शिप में ये रिफ्यूल करेगा, उसमें भरेगा, तो भारत इससे कमाई भी अच्छी करेगा, तो भारत को अच्छा खासा मुनाफा होगा ट्रिंकोमाले से। तो इस तरह से तो भारत को पैसे से भी फ़ायदा होने वाला है, भारत का जो कॉम्पिटिटर है चाइना, उसके साथ हमारी प्रेजेंस होगी श्रीलंका में, जिससे श्रीलंका पूरी तरह से हमसे दूर नहीं जाएगा, हमारे उसके अच्छे रिलेशन बने रहेंगे। तीसरी चीज़, जो श्रीलंका की एनर्जी मार्केट होगी, वहाँ पे हमारा भी शेयर मिलेगा, हम भी वहाँ पे बिजनेस करेंगे। ये दोस्तों तीन फायदे हैं और ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। दोस्तों,
जैसा कि अब चाइना को हम एक के बाद एक झटके देते चले जा रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, जब अभी ये न्यूज आई है अभी करीब एक हफ्ते पहले कि टेस्ला भारत में अपने कदम जमाने जा रहा है, वो अपनी नई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहता है। तो टेस्ला अब अपनी कंपनियों को चाइना से निकाल रहा है और वो इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है और बहुत ही जल्दी वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा। एक तो ये न्यूज रही। इसी में अब एक नई खबर ये आ गई कि भारत के जो टाटा ग्रुप है अभी क्या है कि वो आईफोन वगैरह को बनाता है, यहाँ पे असेंबल करता है। इंडिया में अभी आईफोन की असेंबलिंग होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, लेकिन अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बहुत से कंपोनेंट बाहर बनते हैं चाइना में, तो अब वो कंपनियां धीरे धीरे इंडिया में उठकर आने लगेंगी और जिनका अब काम स्टार्ट हो गया है और वो इंडिया में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करेंगे और पूरी तरह से अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है उसका कैमरा, जो अभी चाइना में बनता है। अब भारत की टाटा ग्रुप की और एप्पल की एक डील होने वाली है जिसके तहत ये हो जाएगा कि अब 100% जो लेंस का काम है, जो कैमरे का काम है, वो अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा और जो इसमें असेंबली होती है आईफोन की, उसमें अब कंप्लीट इंडिया की ही मैन्युफैक्चरिंग रहेगी और ये इस प्रोजेक्ट को बहुत आगे बढ़ाएंगे। ये तो दोस्तों रही दूसरी न्यूज जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं भारत का विश्व में नाम भी इससे बढ़ेगा और इससे भारत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करेगा, साथ ही साथ जॉब्स भी जनरेट होंगी। ये दूसरी न्यूज रही। अब आते हैं तीसरी न्यूज की तरफ। दोस्तों अभी क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री एक KYC नॉर्म्स नए लाने जा रही है जिसमें हमको फिर से अपनी KYC करानी पड़ेगी, यानी कि नो योर कस्टमर जो होता है, हमें अपना आधार पैन ये सारी चीज़ें फिर से अपडेट करवाना होगा बैंक में। और इसके लिए अभी एक इन्होंने एक एजेंसी बनाने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा, नाम है होगा डिजिटा। डिजिटा का काम ये होगा कि वो पूरी तरह से मॉनिटर करेगी कि कहाँ हमको KYC की ज़रूरत है और KYC की ज़रूरत होने के साथ साथ सभी अकाउंट्स में फिर से अपडेट होगी। अच्छा, ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी कि KYC अपडेट करनी है, ऑलरेडी KYC तो लोगों की हो रखी है। तो दोस्तों अभी आपको बता दें कि 2023 में जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा में एक फ्रॉड हुआ था। वो फ्रॉड कैसा था? वो दरअसल फ्रॉड ऐसा था कि मोबाइल ऐप एक लॉन्च करी थी बैंक ऑफ बड़ौदा ने जिसका नाम था बॉब वर्ल्ड। अब ये बॉब वर्ल्ड में क्या था कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स थे, इनकी जो कस्टमर आईडी थी, इसको उन्होंने एक अपने एम्प्लॉय को, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट दे दिया था कि अब हम अपने कस्टमर्स को रीच आउट करें और मोबाइल ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज करने पर ले आए। तो उन्होंने इसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट दे दिया कि अब इसको आप कैसे भी करके लोगों को मोबाइल फ़ोन से ऐप, मोबाइल फ़ोन में ऐप ले आइए और उनको साइन इन करवा दीजिए। लेकिन हुआ क्या, अब ये टारगेट इतने ज़्यादा बड़े थे कि वो एम्प्लॉय पूरे नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, कस्टमर की कस्टमर आईडी ले ली और मोबाइल नंबर डाल दिया रैंडमली, कोई भी, कोई गांव से उठा लिया, कोई रिलेटिव के डाल दिए, किसी के भी डाल दिए और अपने टारगेट को पूरा कर लिया। अब टारगेट को पूरा करने के बाद फिर दूसरा काम किया गया, जब टारगेट पूरे हो गए फिर इन मोबाइल नंबर्स को वहाँ से हटा दिया। लेकिन जब तक ये किए तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। जो इन्होंने ये सब काम किए थे इसकी वजह ये समझ लीजिए कि करीब 362 कस्टमर ऐसे हैं जिनके अकाउंट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं और इसमें बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया कस्टमर्स का। और ये फ्रॉड फिर पकड़ में आया, और ये जो पकड़ में आया ये ऐसा नहीं कि अपने आप पकड़ में आ गया, ये दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एम्प्लॉई ने ही एक न्यूज़ चैनल को खबर दे दी थी और वहीं से ये चीज़ें पकड़ में आई। फिर वहाँ से इसकी जांच हुई तब पता लगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है कि कस्टमर आईडी में किसी और के नंबर को इन्होंने अपडेट करके अपने टारगेट को अचीव कर लिया। तो ये तो दोस्तों रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का काम, जिसकी वजह से वहाँ के काफ़ी एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड भी किया गया है। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ ही है, कस्टमर के साथ तो एक बहुत ही गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
तो इसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं, अब हमें कुछ और भी करना चाहिए, जिससे KYC और मजबूत कर दें, ताकि इस तरह के भी फ्रॉड ना हो, जो भी चीज़ें हैं अब डिजिटल कर ली जाए। अभी क्या है कि हम लोग हार्ड कॉपी वगैरह भी लगाते हैं, अब वो टोटली डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, और अपने KYC को फिर से ज़्यादा अपडेट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएंगे, ताकि कुछ भी अगर गलत हुआ है तो हमें पता लग जाए। तो दोस्तों ये तो थी तीसरी न्यूज, अब कुछ और भारत डेवलपमेंट अगर आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।